हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चों, कल हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कुछ बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और उनको सॉल्व किया था, जिसमें आप लोगों ने सीखा होगा कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या आती है कि उस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ है। आई होप आपने ये सब पे गौर किया होगा और आपने ये सब देखा होगा कि उसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले तो उसमें क्या देखना है कि गिवन क्या क्या चीज़ है ना। फिर उसके बाद उसकी एक एक छोटी छोटी चीज़, अगर उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, सिमेट्रिकल देखना है तो कैसे देखना है, ठीक है। जैसे कि एलिप्स का एरिया निकालना सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर उसमें एलिप्स कह रहा है तो फुल निकलेगा, नहीं अगर उसमें उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिया तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिखा देना है, ठीक है। फिर इस तरह करके हमने कुछ बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे थे एक्सरसाइज 8.1 के। आज देखते हैं हम एक और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो साफ साफ लिखा सैम्पल पेपर 2022। तो अभी जो CBSE ने जो सैम्पल पेपर मैथ्स का लॉन्च किया क्लास 12 का 2022 का टर्म 2 के लिए, उसमें ये क्वेश्चन 4 मार्क में दिया गया है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें वही चीज़ें ढूंढो, ध्यान से देखो कि इसमें क्या क्या कह रहा है। जैसे कि देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन, जाहिर सी बात है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर का है तो इंटीग्रेशन यूज़ करके तो हो गई। तो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कल ये मैंने आपको मार्क करके दिखाया था ना, देखो इसमें पहले इसने क्या कह दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। इनक्लोज बाय द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ें हमने पहले मार्क कर ली क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें हम मार्क नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, मे बी हम कहीं ना कहीं एक छोटी सी एरर करके अपना पूरा क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस पे ध्यान देना है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो, पैराबोला गिवन है ना, और एक लाइन गिवन है, ठीक है। एक्सिस तो बनेगी जब वाई और एक्स एक्सिस बनाएंगे, तो एक्सिस तो अपने आप ही आनी है। तो चलो इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो पैराबोला क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स लीनियर है ना इसका, वाई की पावर 2 है, वाई मतलब क्वाड्रेटिक है, एक्स लीनियर है, तो दैट मीन्स ये पैराबोला किस तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है। और ओरिजिन से, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, अगर इसको कंपेयर करो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे कौन सा पैराबोला किस डायरेक्शन में बनना है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो इसके लिए। तो यहाँ पे ये बना पैराबोला, ये हो गया पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसके क्वाड्रेंट, इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ किया जाता है आपने सीखा ही होगा, क्लास 10th में ये चीज़ आ जाती है। तो इसके हम क्या करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं ना पहले। तो डायरेक्ट पॉइंट्स निकालने का तरीका ये होता है, एक्स और वाई लिखो, ज़ीरो पे ही निकाल दो। जैसे कि एक्स 0 लिखा तो वाई कितना आ जाएगा 2, और y 0 पे x कितना आ जाएगा 2। इसी दो पॉइंट से आपका काम हो जाना, और इसी दो पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो आया एक 0 2, और एक आया 2 0। x 0 पे y की वैल्यू 2 और y 0 पे x की वैल्यू 2, ठीक है। दैट मीन्स ये लाइन 0 2 और 2 0 से पास होगी। अभी हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने से पहले अभी हम ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम पहले लाइन और पैराबोला का क्या निकाल लें, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से वाई इक्वल टू निकालो तो आ गया 2 माइनस एक्स। इस 2 माइनस एक्स को इस पैराबोला की इक्वेशन में रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स,
टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके स्प्लिटिंग मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कोई फैक्टर जिसमें मल्टीप्लाई करने पे फोर आ जाए और एडिशन करने पे फाइव आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा इसका फैक्टर, तो ये बन जाएगा माइनस का फोर एक्स माइनस का एक्स प्लस फोर। अगर मैं बेसिक मेथड करूँ अप्लाई करूँ तो आपने इसको ऐसे सीखा होगा कुछ करना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो, तो ये लाइन फिर आपकी यहाँ पे आती होगी। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आती है, तो दैट मीन्स एक्स निकल के आया फोर कॉमा वन, ठीक। एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू फोर, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू फोर। अब देखो एक्स की वैल्यू जब फोर है तो यहाँ पे रखो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू माइनस फोर दैट इज माइनस टू, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट मिलेगा फोर कॉमा माइनस टू। लाइन और पैराबोला का एक इंटरसेक्शन निकल के आया फोर कॉमा माइनस टू, और x इक्वल टू वन पे y इज इक्वल टू टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन, मीन्स एक कोऑर्डिनेट निकल के आया पैराबोला और लाइन का एक इंटरसेक्शन और निकल के आया वन कॉमा वन। यानी कि अगर हम यहाँ पे वन लें, टू लें, थ्री लें, यहाँ पे हम वन टू इस तरह करके ऊपर, तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो x फोर पे y माइनस टू है, तो ये माइनस वन माइनस टू और एक यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं फोर, तो फोर माइनस टू ये पॉइंट हुआ, ठीक, फोर कॉमा माइनस टू ये पॉइंट हुआ, तो दैट मीन्स ये पैराबोला ऐसे जाएगा, ये इस तरह से, ठीक। और एक पॉइंट आ रहा वन कॉमा वन, ये वाला पॉइंट, तो मतलब कि ये पैराबोला का शेप यहाँ से जाएगा, ये कर्व पैराबोला का ऐसे जाएगा, ठीक। और अब जब हम इसकी ये लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू टू, जिसके कोऑर्डिनेट एक ही आया था जीरो कॉमा टू और एक आया था टू कॉमा ज़ीरो, तो देखो ये इस पॉइंट से भी होते हुए देखो निकल रहा है, यहाँ से होते हुए ये देखो, एग्जैक्ट एकदम, ये हमने निकाला वन कॉमा वन, ये था टू कॉमा ज़ीरो और ये था फोर कॉमा माइनस टू, ठीक। तो ये तो बन गया फिगर। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस पैराबोला लाइन और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीज़न आ रहा है उसका हमें क्या निकाल देना है, एरिया निकालना है। तो दैट मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड रीज़न है ये वाला रिक्वायर्ड रीज़न हो गया, देखो ज़ीरो ज़ीरो ये पॉइंट, इसको मान लेते हैं ये ओ है, बी ओ ए ये बी, तो ये पॉइंट ये रीज़न जो आ रहा है ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस लाइन पैराबोला और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, और स्ट्रिप को भी ड्रॉ करने से पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि ये लाइन ऑफ
कर्व, एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया है। तो डैट मीन्स ये जो पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्शन वाला, ये एक्सेस पे आ जाएगा 1, 0। तो डैट मीन्स 0 से लेकर के 1 तक, मतलब कि ये ध्यान से देखो, ये कर्व, इस पूरे को निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया इस पैराबोलिक शेप के थ्रू कवर हो रहा है। फिर ए से यहाँ तक का एरिया, मतलब कि 1 से 2 तक का एरिया इस लाइन के थ्रू कवर हो रहा है। तो डैट मीन्स यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स चलेंगी। एक स्ट्रिप तो हो गई आपकी जो इस पैराबोला शेप से, जिसको हम dx नाम दे देंगे, और इस स्ट्रिप को भी dx नेम दे देंगे। तो ये हो गई y2, ये हो गई y1। इतना क्लियर है? पहले आप इतना नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर वीडियो को प्रीवियस बैक करके भी देख सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब हम आगे करते हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया बस, लिमिट्स अप्लाई करके वैल्यू रख के उसको इंटीग्रेशन करके बस इस पार्ट का एरिया निकाल देना। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इंटरसेक्शन पॉइंट और ये सब निकालने से क्या होता है, हमारा ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बन जाता है, पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हम अपने ग्राफ में पॉइंट्स ले लेते हैं। और वैसे ही देखो, जैसे पहले मैंने शेप अपने तरीके से बना दिया था, फिर जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकले थे तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो शेप कर दिया, तो एग्जैक्टली वो लाइन वहाँ से चली गई। ये थी x + y = 2, ये है पैराबोला, ठीक। और एक्स एक्सिस बनाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ही आप जानते ही हो, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड एरिया, या फिर लिख लो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, 0 लोअर लिमिट टू 1 अपर लिमिट, कवर हो रहा है y1 के थ्रू, और 1 से 2 तक कवर हो रहा है y2 के थ्रू। तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 कर्व से, मतलब पैराबोला से टच हो रही है, तो पैराबोला वाली इक्वेशन से y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √x, y² = x, तो y = √x, तो √x dx प्लस 1 से 2, ये लाइन से टच हो रही है स्ट्रिप, तो लाइन वाली इक्वेशन से y की वैल्यू आई 2 - x, तो ये 2 - x dx, ठीक। अब √x का इंटीग्रेशन करना जानते हो, x^(1/2), तो 1/2 + 1, 3/2, तो x^(3/2/3/2, 0 से 1, प्लस 2 का 2x हो जाएगा, और x² / 2, लिमिट 1 से 2, लिमिट अप्लाई की तो 1^(3/2/3/2, चाहो तो इस 3/2 को 2/3 करके पूरा यहाँ पे बाहर ही लिख दो, और ब्रैकेट के अंदर फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही आ जाएगा। इसको अप्लाई किया तो 2 × 4 माइनस 2² / 2 यानी कि 4/2, माइनस अपर लिमिट अप्लाई कर दी, अब लोअर लिमिट की बारी है तो 2 × 2 माइनस का 1/2, बस लास्ट इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड एरिया। तो 2/3 और 1 की पावर समथिंग 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 - 0 1, तो यहाँ पे 2/3 बचेगा, प्लस इसको देखो 4 - 4/2 यानी कि 2, तो 4 - 2 2, 4 - 4/2 4/2 का आंसर 2 आया, तो 4 में से 2 गया 2, माइनस 2 - 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, तो 2 - 3/2, बस इसको सॉल्व करो, ख़त्म करो, 2 × 4 - 3 गया 1/2, तो 2/3 + 1/2, एलसीएम विल बी 6, 4 + 3 7/6 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया 7/6 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, ठीक। सो मेन चीज क्या क्या थी,
अंडरलाइन कर लो, अगर आप पेन से करना चाहो अपने पेपर में कर लेना क्या क्या मेन चीज़ इंपॉर्टेंट दी गई हैं, फिर उस हिसाब से ग्राफ बनाना। और हाँ, एक काम आप ये भी कर सकते हो कि पहले ही इंटरसेक्शन अगर आप पॉइंट निकाल लो तो पहले ही पता चल जाएगा कहाँ से पास होना है, तो फिर सीधे सीधे वहीं से उस पॉइंट से ही उस चीज़ को निकालो, तो डायरेक्ट वहीं से निकलेगा तो ईजी रहेगा, टाइम सेव होगा। तो ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए ये आप कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद है कल लास्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, लाइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन कल लास्ट में किया था ना, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 था, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इसमें एक सर्कल होता है, एक लाइन होती है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे, फिर एरिया ऑफ द रीजन निकाला था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा था, एक्स एक्सिस ये सब देखते हुए कल हमने कर लिया था। अब देखो ये सेम क्वेश्चन इस तरह दिया है, और ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर 2022 में दिया गया है, जो अभी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया था 2022 टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उसमें दिया गया है। मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, तरीका बस उसका देने का दूसरा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से सॉल्व होना है, बस यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज ये क्वेश्चन रख दिया गया है। इसमें क्या होता है, इनइक्वालिटीज अगर आपने क्लास 11th का इनइक्वालिटीज चैप्टर पढ़ा होगा, और अगर आपको वहाँ पे इनइक्वालिटीज का रीज़न फाइंड करना आता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का है, और आप इसको भी ईजिली कर लोगे। चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो इसमें भी देखो, मान लो जैसे कि कोई इनइक्वालिटी नहीं लगी है, तो ये लिखा है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू रूट 3x, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, देखते ही पहचान जाना है, और ये क्या है, लाइन गिवन है। y इक्वल टू 0 आप लाइन जानते ही हो कौन सी होती है, कौन सी होती है, y इक्वल टू 0 लाइन। एक काम करते हैं, सैम्पल पेपर को हटा के यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा भी बनेगा। तो ये सैम्पल पेपर 2022 में दिया गया है, 4 मार्क का ही है। तो जो पिछला क्वेश्चन मैंने समझाया था और ये क्वेश्चन इनमें और लगा हुआ था, मतलब कोई एक अटेम्प्ट करना था। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बन गया एक सर्कल जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस इसकी 2 है। तो 2, 0, 0, 2, और ये कोऑर्डिनेट्स भी लिखना हो लिख लो, -2, 0 और 0, -2, ठीक। सेंटर इसका 0, 0 है और लाइन y इज इक्वल टू रूट 3x वाली, ये कल मैंने आपको बताया था, ओरिजिन से पास होगी और फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी, तो ये निकल गई लाइन। और इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था, तो मैं बस आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करके बताऊंगा, बस बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में रीजन कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि अगर आपको याद हो तो ये कल कितना आया था, ये आया था √3, 0, याद आया, √3, 0 आया था। यहाँ पे √3, 0 मतलब यहाँ पे कुछ √3, something कुछ आया था इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको देख के रीजन निकालना है, तो इसमें देखो सबसे पहले जैसे ये लिखा है, तो ये क्या लिखा है, y greater than equal to 0। अब y equal to 0 वाली लाइन कौन सी होती है,
ये जो आपकी x एक्सिस की लाइन होती है यही लाइन होती है y इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन। तो यहाँ पे क्या लिखा है y इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर वाले जितने भी ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, इसका मतलब वो y इज ग्रेटर देन जीरो इस लाइन के ऊपर वाले, मतलब कि इस प्लेन के सारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब मतलब कि y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लाइन वाले भी प्लस इसके ऊपर वाले भी, चाहे वो यहाँ पे हो यहाँ पे हो, ठीक। अब लिखा है y इज लेस देन इक्वल टू रूट थ्री एक्स। अब देखो हमें इसका पता करना है कि ये जो लाइन जा रही है, ये है लाइन आपकी y इक्वल टू रूट थ्री एक्स वाली, ठीक है। तो इस लाइन के दो प्लेन बन रहे हैं, एक लाइन के इस तरफ एक लाइन के इस तरफ, तो कौन से प्लेन के कोऑर्डिनेट्स इसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि कोई भी एक पॉइंट, चाहे लाइन के इस तरफ का, चाहे इस लाइन के इस रीजन का, चाहे इस लाइन के इस रीजन का, चाहे इस लाइन के इस रीजन का, कोई भी एक ले लो, उठा के इस पे रख दो और पता चल जाएगा, ठीक है। सपोज दैट अगर हम लाइन है इसके इस रीजन का कोई ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट अगर देखो लाइन के इस तरफ आ रहा है, मान लो ये है 0.1, तो y है इसका 1 और x है 0, तो y की जगह हमने रखा 1, 0.1 पॉइंट ले रहे हैं, तो y पे 1, x पे 0, ठीक है। तो देखो ये निकल के आया कि ये कह रहा है 1 इज़ लेस देन 0, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, क्या ये चीज़ सही लग रही है, ट्रू लग रही है, क्या 1 0 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है 0.1, ये मतलब कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ के जितने भी पॉइंट्स होंगे ये इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो हम अब एक काम करते हैं, इस लाइन के यहाँ वाला कोई एक पॉइंट रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0.1 पे तो नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ का कोई पॉइंट लिया हमने, 1.0 ले लिया, 1.0 रख के देख लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 है, यानी कि रूट थ्री आ जाएगा, और y की वैल्यू 0 है। अब देखो 0 लेस देन इक्वल टू रूट थ्री, 0 बराबर तो नहीं होता लेकिन कम होता है, मतलब कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो मतलब कि लाइन y इक्वल टू रूट थ्री एक्स के जितने भी सॉल्यूशन रीजन, मतलब कि जितने भी इस तरफ रीजन वाले जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये सब इसके क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। तो दैट मीन्स इसमें हम ड्रॉ कर देंगे इस तरफ, ठीक। अब सर्कल की बात कर लेते हैं, तो सर्कल में अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 गिवन है, सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे सर्कल का ये जो पोर्शन है, तो इसके दो रीजन बन रहे हैं, एक तो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के अंदर, एक सर्कमफेरेंस के बाहर वाला रीजन, ठीक है। तो चलो पहले हम एक अंदर वाले पॉइंट को चेक कर लेते हैं, 0.0 पे ही चेक कर लो। तो अगर हमने 0 रखा, इस पर भी 0 रखा, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो ये आया 0 लेस देन इक्वल टू 4, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि सर्कल के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये सारे इस सर्कल वाली गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजंस हैं। तो मतलब कि सर्कल के अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स, तो अब हमें मेन, अब हमारा लास्ट टास्क ये रह जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि इसके इसके और इसके तीनों में कौन सा कॉमन रीज़न आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ये कॉमन रीज़न मिल रहा है, ये लाइन का इस तरफ, सर्कल का भी, और ये y इज ग्रेटर देन जीरो का, तो यही हमारा रीज़न बन गया। दैट मीन्स हमें ओवरऑल इसी रीज़न का क्या निकाल देना है, एरिया, यही हो गया रिक्वायर्ड रीजन या फिर एरिया। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस आपकी इनइक्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ये सैम्पल पेपर 22 का क्वेश्चन था जो इस साल रखा था, दैट मीन्स इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, और रहेगा वो NCERT का ही। चलो बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये मतलब गिवन है, ठीक है। तो ये क्या है, पैराबोला की सर्कल क्या होगा, ये इसमें एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर है, दैट मीन्स दिस इज़ अ पैराबोला एंड एक्स इक्वल टू फोर, ये एक लाइन हो गई, इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए, मतलब कि कोई एक एरिया है जो कि इस पैराबोला इस लाइन के बीच में बन रहा है और वो इस डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स एक्स इक्वल टू ए, कोई लाइन है वो इस दोनों के बीच के एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है और हमें इस ए की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत ही अच्छा फोर मार्कर टाइप का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन पैराबोला है तो एक्स में लीनियर है, दैट मीन्स एक्स की तरफ ही जाएगा वो, ये बना पैराबोला ठीक। अब इसमें x इक्वल टू फोर एक लाइन है, मान लो हमने यहाँ से x इक्वल टू फोर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट हो जाएगा 4,0 x एक्सिस, और अब एक कोई लाइन है जो इसके और इसके एरिया को, अब इस दोनों के बीच में एरिया सबसे पहले तो देख लो कौन सा बन रहा है, यहाँ पे ना कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा था ना कुछ लिखा था, दैट मीन्स ये कंप्लीट एरिया चल रहा है, ये कंप्लीट एरिया कैसे, एक्स इक्वल टू फोर ये वाली लाइन हो गई और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला हो गया। तो ये पूरा एक रीज़न आ गया, यहाँ कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया, अब एक x इक्वल टू ए वाली लाइन आएगी, मान लो वो लाइन कुछ यहाँ से क्रॉस कर रही है, ये x इक्वल टू ए वाली लाइन हो गई। तो x इक्वल टू ए अगर ये लाइन है तो यहाँ पे x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0 और ये 0,0, दैट मीन्स ये लाइन इन दोनों के बीच के एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमें क्या निकालना है, इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसका हम रिक्वायर्ड रीज़न का जो एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि हम इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे तो और उसको टू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अगर हमें ए की वैल्यू पता होती तो। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर इस पे एक स्ट्रिप ले ली, dx, और इसको ले लिया y1, और एक स्ट्रिप हमने यहाँ पे ले ली dx, और इसको हमने नेम दे दिया y2। तो अब ये लाइन क्या कर रही है, जो ये हमारा, मान लो इसको हमने नाम दिया a1, इसको हमने नाम दे दिया a2, तो ये a1 और a2 इक्वल है और ये लाइन x इक्वल टू a इनको डिवाइड कर रही है इक्वल एरियाज में, दैट मीन्स एरिया ऑफ द रीजन a1 इक्वल है एरिया ऑफ द रीजन a2 के। तो a1 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के a तक, और वो कवर हो रहा है y1 dx, और ये a से लेकर के 4 तक y2 dx, ठीक है। तो ये 0 से a, अब देखो y1 भी कर्व से टच हो रही है, तो यहाँ पैराबोला से इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y = √x dx हो गया, ये a से 4 तक √x dx हो गया, रूट एक्स का क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ये 0 से a तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे भी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये a से लेकर के 4 तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा अब यहाँ पे कर लेते हैं,
तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स की पावर 3/2 0 टू a, और ये भी 2 अपॉन 3 एक्स की पावर 3/2 यहाँ पे है a से 4 तक। तो ये देखो 2/3 से 2/3 तो ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब a की पावर 3/2 और 0 की पावर 3/2 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 a की पावर 3/2 ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, 2 a की पावर में 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट a फिर उसका क्यूब, तो 2 a रूट a और ये 64, सॉरी 4 का रूट लेके ये 8 बनेगा। तो ये a की पावर अगर हम यहाँ पे इसको वैसे ही लिखा रहने दें तो 3/2 ये 4 आ जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा a की पावर 4। तो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ना ये भी। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बोर्ड्स की तैयारी कीजिए। वैसे भी आप लास्ट स्टेज पे हैं और इस समय रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, क्या था, ये a की पावर 3/2 है ना, ये a की पावर 3/2 को आप यहाँ पे क्या करो, ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 a की पावर 3/2 और ये क्या बन गया था 8, तो ये a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 आया, 2 से 8 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे ये a इक्वल टू 4 की पावर 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 3/2 तो ये है, यहाँ पे अब जब इसका वो लोगे रिवर्स तो ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर में 2/3, अब ये सही है। तो सॉरी फॉर दिस, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल से कुछ और क्वेश्चन लाएंगे और फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।